उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने काम को बहुत ही मनाकर कर रहे होंगे, और जो लोग म्यूजिक रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में नए हैं वो हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते होंगे। तो आइए सीखने के ही दौर में हम आज कुछ नया सीखते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किसी भी ऑडियो फाइल का BPM कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत से लोग BPM को टेम्पो भी बोलते हैं। BPM या टेम्पो दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। कुल मिलाकर टेम्पो या BPM का मतलब ये होता है कि हमारा जो ऑडियो फाइल या हमारा जो गाना या जो ट्रैक हमने बनाया है या जो हमारे पास आया है उस ट्रैक की स्पीड क्या है, बीट पर मिनट क्या है। खासकर रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें गाने का BPM मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर BPM पता नहीं होगा तो हम किसी भी डमी साउंड का या किसी भी गाने का रिदम वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है BPM को पता करना। हालांकि बहुत ही आसानी से किसी जान सकते हैं कि किसी ट्रैक का BPM क्या है। मैं अगर कुछ बिहार दिखाऊंगी और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से, इधर मैं बोलूँ कि मात्र 1 सेकेंड के अंदर आप पता कर सकते हैं किसी भी ट्रैक का BPM क्या है। तो आइए हम देखते हैं। हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। इस BPM को जानने के लिए हमें एक छोटे से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो पहले हम सॉफ्टवेयर को देखते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के ब्राउजर पर। आपके पास जो ब्राउजर हो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप ओपन कर लें। मैं यहाँ पर क्रोम ओपन कर रही हूँ। जी हाँ, तो ये हमारा क्रोम ओपन हो गया है। अब हम क्रोम के सर्च बॉक्स में, ये जो आपको सर्च गूगल दिखा रहा है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे सॉफ्टवेयर को। इसका नाम है दोस्तों वर्चुअल डीजे। इस सॉफ्टवेयर का नाम है वर्चुअल डीजे। हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे और वर्चुअल डीजे टाइप करके हम इंटर करेंगे। तो जब आप इंटर करेंगे दोस्तों तो ये एक पेज ओपन होगा। इसमें सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा वर्चुअल डीजे का ये मोस्ट पॉपुलर डीजे सॉफ्टवेयर का लिंक। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये virtualdj.com के साइट से ही टैग हो सकता है कि आपके सर्च रिजल्ट में ऊपर ही नीचे आ सकता है, तो आप वो देख लेंगे। मेरे में ये ऊपर में आ रहा है। तो इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो हम इस साइट पर रिडायरेक्ट होकर चले आएंगे। कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों नीचे की ओर आपको ये देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है और ऊपर भी दिख रहा है। आप ऊपर या नीचे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं नीचे से कर रही हूँ। जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो वर्जन दिखेगा दोस्तों, एक विंडोज के लिए और एक मैक OS के लिए। आपके पास जो सा भी OS हो आप उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो डाउनलोड कर रही हूँ। अगर आपके पास मैक का है तो आप मैक डाउनलोड कर लेंगे, है ना। तो मैं विंडो के लिए क्लिक कर रही हूँ और ये मैंने क्लिक किया और ये मेरा डाउनलोड शुरू हो गया है। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है और ये हमारा वर्चुअल डीजे का सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो गया सेटअप इसका। अब हम इसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। तो हम चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में। यहाँ पर इसका सेटअप आ गया है। इसे हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे।
जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट पर हम टिक करेंगे। ये लाइसेंस आप रिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर है। और टिपिकल वाले पर हम क्लिक करेंगे ऊपर वाले पे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के प्रोसेसर पर और रैम पर, ये कितना वक्त लगेगा इंस्टॉल होने में। और दोस्तों ये बिल्कुल ही फ्री है, आप देख सकते हैं वर्चुअल डीजे होम फ्री सेटअप इसके ऊपर लिखा हुआ रहा है, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री है। आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसे बाय करना है आपको। ऑलमोस्ट ये प्रोसेस शुरू हो गया है थोड़ी से देर इंतजार करने के बाद। और ये आपको डेस्कटॉप पे ये आपको भी आपको दिख रहा होगा। और ये हमारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। देखिए मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ये वर्चुअल डीजे होम 7 सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। इसको आप डोंट शो अगेन पर टिक ऑफ करके स्किप कर देंगे, है ना, नहीं करना है, हमें नो कर लेंगे। ये हमारा इंटरफेस, ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब हमें जिस भी फाइल का BPM जानना है दोस्तों, हम उसे इस मेनू के थ्रू या ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इस पर ला सकते हैं। मैं मेनू के थ्रू आ रही हूँ, ये मेरा फाइल, मान लो ये मेरा फाइल है। अब बस इस पर आप क्लिक करें, डबल क्लिक करें या इस ड्रैग एंड ड्रैग कर लें, तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट ये आपका रन हो गया। और यहाँ आप साइड में देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर ये इसका BPM भी आ गया, 140.63 इसका ये BPM है। तो देखा दोस्तों, मात्र एक सेकेंड के अंदर ही आप किसी भी फाइल का BPM देखिए। मैं दूसरा दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए मैंने बस इसे क्लिक करा और ये मेरा BPM इस सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि ये 126.97 इसका BPM है। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही फास्ट ये आपको रिजल्ट शो करता है। अब किसी भी फाइल को आप कहीं से भी, आप जो भी आपके फाइल्स हैं, आप उसको यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसी फाइल हो, देखिए आप ये मैं आपको ये ना, तो उसके बाद मैं इसको ड्रैग करूँगी और ये देखिए ये ओके 81.71 इसका BPM इसने बता दिया मुझे। बहुत फास्ट सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये देखिए 83.52 इसका टेम्पो इसने बता दिया, BPM सो हो गया। तो देखा दोस्तों कि बहुत ही फास्ट, बहुत ही आसान, किसी भी ट्रैक, किसी भी म्यूजिक फाइल, किसी भी MP3 फाइल का हम BPM जो है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे ही आपकी लिए नए नए वीडियोस लाते रहें। और मेक म्यूजिक, एंजॉय म्यूजिक, बाय बाय।